वंदे भारत ट्रेन, इन ट्रेनों ने हमारी इंडियन रेलवेज़ को एक बहुत बड़ी ग्रोथ दी है। यहाँ तक कि वंदे भारत ट्रेन्स ने अपनी एक सेपरेट पोजीशन भी इंडियन रेलवेज़ में बना रखी है। आने वाले समय में जैसा कि सिचुएशंस को हम देख रहे हैं, हो सकता हो कि वंदे भारत ट्रेन्स जो है वो जितनी भी जन शताब्दी या फिर शताब्दी ट्रेनों को रिप्लेस कर दे। आज के इस वीडियो में हम वंदे भारत ट्रेन्स का ही एक और वर्जन जो कि स्लीपर वर्जन है उसके बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर किस रूट पर इंडियन रेलवेज इसे लॉन्च कर रही है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्लीपर वंदे भारत जो है वो जनवरी 2025 में लॉन्च होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। BEML के द्वारा डिज़ाइन की गई ये स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि सितंबर 24 में जिसका इनसाइड लुक भी रिवील कर दिया गया था, बहुत जल्द हमें इंडियन रेलवे के ट्रैक पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको उसकी पूरी जानकारी दी है कि आखिर इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होंगे, कौन सी कंपनियां इन्हें मिलकर बना रही हैं और भी इससे जुड़ी काफ़ी सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है। अगर आपको इसको पूरी तरीके से समझना है, स्लीपर वंदे भारत को आखिर इंडियन रेलवे क्यों ला रही है, तो उस वीडियो को आप देख कर आपको काफ़ी जानकारी उससे मिलेगी। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, जिसको देख कर आपको समझ में आ जाएगा। तो जिस रूट पर स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया जा रहा है उस रूट का नाम है न्यू दिल्ली श्रीनगर। हालांकि अभी श्रीनगर वाले डिवीज़न में थोड़ा सा काम अभी बचा हुआ है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि इसके कंप्लीशन हो जाने के बाद इस श्रीनगर वाले जो रूट का पहला तोहफा जो इसे मिलने जा रहा है वो एक स्लीपर वंदे भारत के रूप में होगा। तो आइए जानते हैं इस ट्रेन से जुड़े 5 की फीचर्स के बारे में, जिसमें मैं आपको इस ट्रेन के रूट, इस ट्रेन के स्टॉपेजेस, इस ट्रेन के फेयर और इस ट्रेन से होने वाले जो एडवांटेजेस हैं जो कि हमारे लोगों को मिल सकेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके की फीचर्स के बारे में। कनेक्टिविटी के मामले में अगर मैं बात करूं तो कश्मीर के लोग अब इंडिया की जो नेशनल कैपिटल है उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी का साधन प्राप्त कर सकेंगे। इंडियन रेलवेज काफ़ी समय से ये प्लान कर रही थी कि किस तरह से कश्मीर को इंडिया के कोनों से जोड़ा जाए, जिसके चलते कश्मीर के लिए भी लाइन बिछाई जा रही थी जो कि अब अपने कंप्लीशन के दौर पर है। और वंदे भारत मिल जाने के कारण ये कनेक्टिविटी बहुत ही जल्दी, फास्ट और बहुत ही ज़्यादा सेफ और कम्फर्ट से भरी होगी। नंबर 2, रूट। तो इस ट्रेन का रूट जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि ये ट्रेन न्यू दिल्ली से जम्मू कश्मीर के बीच में चलेगी, तो न्यू दिल्ली से ये ट्रेन स्टार्ट होगी और श्रीनगर तक जाएगी। इस ट्रेन की जो रेक मेंटेनेंस है वो नॉर्दर्न रेलवे की जिम्मेदारी में मेंटेन किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस ट्रेन में कोचेस कितने लगे होंगे। हालांकि ये स्लीपर वंदे भारत है तो इसमें नॉर्मली आई थिंक 17-18 कोचेस तो लगने ही चाहिए, क्योंकि इसमें थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी लगा होगा जो कि एक राजधानी ट्रेनों में भी लगाया जाता है। तो राजधानी ट्रेनों की अगर हम ट्रेन सेट की बात करें तो वो 19-20 या 21 कोचेस के आसपास रहते हैं, तो आई थिंक उससे थोड़ा कम ही होगा। तो उस हिसाब से 17-18 कोचेस वाली ट्रेन रहने वाली है। ये ट्रेन टोटल 800 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करेगी, जिस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये ट्रेन 13 घंटे का समय लेगी। और इसके साथ साथ ये ट्रेन न्यू दिल्ली से शाम 7 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट कर देगी और अगले दिन सुबह कश्मीर जो है यानी कि श्रीनगर सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएगी। तो बात करें इस ट्रेन के स्टॉपेजेस की, तो ये ट्रेन न्यू दिल्ली से जब चलेगी तो अम्बाला कैंट, लुधियाना कैंट, कठुआ, जम्मू तवी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, संगलदान और बनिहाल होते हुए श्रीनगर तक पहुंचेगी। हालांकि इन स्टेशनों पर अभी अराइवल एंड डिपार्चर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन इंडियन रेलवेज़ ने नहीं बताई है। आई थिंक ये नवंबर तक जो है रेलवेज़ इसको डिस्क्लोज कर देगी कि आखिर क्या क्या इन स्टेशनों पर पहुँचने का समय होने वाला है। नंबर 5, फेयर। तो इंडियन रेलवेज़ ने इसमें फर्स्ट एसी का जो फेयर है उसे 3000 के अप्रॉक्स रखा हुआ है, सेकंड एसी का जो फेयर है वो अभी 2500 के अप्रॉक्स रखा गया है और थर्ड एसी का जो फेयर है वो लगभग 2000 के अप्रॉक्स रखा गया है। और इसके साथ साथ दोस्तों अभी रेलवेज ने ये भी नहीं बताया है कि आखिर हफ्ते में कितने दिन इस ट्रेन को चलाया जाएगा। आई थिंक कि ये वीकली हो सकती है या फिर डेली हो सकती है। अब इसके बारे में रेलवेज अभी धीरे धीरे करके और अपडेट्स बताएगी।
तो दोस्तों ये थी जानकारी हमारी पहली वंदे भारत स्लीपर वाली वर्जन की, जो कि हमें न्यू दिल्ली से श्रीनगर के बीच में जल्दी देखने को मिलने वाली है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी इससे जुड़े कुछ अपडेट्स आने बाकी हैं, हो सकता हो कि अभी कुछ स्टॉपेजेस में बढ़ोतरी हो या थोड़ा चेंजेस हो, तो फेयर को लेके भी अभी काफ़ी सारी डिटेल्स आनी बाकी है। अप्रॉक्स मैंने फिगर बताई है, हो सकता है ये अभी रेलवेज़ की तरफ से फाइनलाइज ना की गई हो। जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएगी मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स एंड जय हिंद।